डीएनए फैक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं प्रीति आपके साथ करूंगी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें डीएनए फैक्ट्स में, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बातें कौन नहीं जानना चाहता, तो चलिए कुछ ऐसी ही बातें हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा ही है, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास। अब अगर हम हमारे भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में एक से बढ़कर एक अंधविश्वास है, पर अगर उनके पीछे कोई लॉजिक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जिसने भी ये अंधविश्वास बनाए होंगे उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो देखा ही होगा। तो बस जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर घर से दही चीनी खाकर निकलो, या फिर कहते हैं ना पीपल में भगवान बसते हैं। तो ऐसे ही कुछ सुपरस्टिशंस के बारे में मैं बताऊंगी आपको आज डीएनए फैक्ट्स में, और इनके पीछे जुड़े लॉजिक के बारे में भी पता चलेगा आपको। सबसे पुराने और आज तक मानने वाला पहला सुपरस्टिशन जो है वो है कैट्स क्रॉसिंग योर पाथ। इसका मतलब बिल्ली का रास्ता काट जाना, और ऐसी वैसी बिल्ली नहीं, काली बिल्ली। अगर वो रास्ता काट गई और आपने उसे पार कर लिया तो लोग मानते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई अनहोनी पक्का होगी। तो आपको बताते हैं इसके पीछे का एक्चुअल लॉजिक कि ऐसा क्यों माना जाता है कि बिल्ली का रास्ता काट जाना अशुभ है। पुराने जमाने में लोग हॉर्स और बुलोक काट का इस्तेमाल करते थे ट्रैवल करने के लिए। उस समय अगर रात के वक्त कोई जंगली बिल्ली पार होती थी तो जो जानवर उस काट को चलाता था वो डर जाता था, क्योंकि बिल्ली की आंखें रात को अंधेरे में चमकती है, जिससे बैलगाड़ियों का बैलेंस बिगड़ जाता था। इसलिए जब भी कभी कोई बिल्ली सामने से पार होती थी तो बैलगाड़ियों को वहीं रोक दिया जाता था। समय के बीतने के साथ ये बात नहीं बीती। जंगली बिल्लियों के बाद लोगों ने डोमेस्टिक यानी घरेलू बिल्लियों को लेकर इस अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। जो दूसरा अंधविश्वास है उसे सुनने के साथ साथ आपने उसे देखा भी होगा, ईट कर्ड एंड शुगर बिफोर गोइंग आउट। इस सुपरस्टिशन को आज भी उतनी ही महत्वता दी जाती है, इसलिए किसी भी शुभ काम को करने से पहले घर से निकलते वक्त दही चीनी खाया जाता है, जिससे हर काम सक्सेसफुल हो जाता है। और अगर साइंटिफिक लॉजिक की तरफ देखें तो दही हमारे पेट को ठंडा रखता है और पेट की गड़बड़ होने से बचाता है। चीनी जो दही में मिलाई जाती है उससे हमें कैलोरीज मिलती हैं, जिससे एनर्जी आती है और काम अच्छे से हो जाता है। इसलिए दही और चीनी की मान्यता आज भी है। तीसरा सुपरस्टिशन है पीपल के पेड़ के बारे में। तो बहुत सारी कहानियाँ हमने अपने अपने गांव में सुननी ही होती है। पीपल ट्री इज अ गॉड। किसी भी पेड़ की पूजा हो या ना हो, हर गांव में पीपल के पेड़ की पूजा जरूर होती है। तो कैसे पीपल का पेड़ दूसरे पेड़ों से अलग है और क्यों इसकी पूजा की जाती है? हर पेड़ फोटोसिंथेसिस क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और प्योर एयर का बैलेंस बना रहता है। पर रात के वक्त सब पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ ऐसा अकेला पेड़ है जो एक स्पेशल टाइप की फोटोसिंथेसिस क्रिएट करता है, जिसे कैरेसुलेंसियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसके जरिए वह रात को भी ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। यानी बाकी पेड़ रात को ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन पीपल का पेड़ ऐसा अकेला पेड़ है जो ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। यहां तक कि पीपल लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स में से भी एक है। पीपल के पत्तों को भी आयुर्वेदिक की दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन सब कारणों के चलते हम मानते हैं कि पीपल में भगवान बसते हैं और उसकी पूजा करते हैं।
अब तक की वीडियो कैसी लगी आपको? पर ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगी जब आपको पता लगेंगे दो और ऐसे सुपरस्टिशन अंधविश्वास। जैसे कि कहते हैं ना कि घर के बाहर या आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो अपनी दुकानों के बाहर नींबू मिर्ची टांगनी चाहिए, जिससे बुरी चीज़ों का वास नहीं होता और बुरी चीज़ें दूर रहती हैं। या फिर कहा जाता है कि अपने सर को कभी भी नॉर्थ की साइड कर नहीं सोना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? तो चलिए कुछ ऐसे ही लॉजिक मैं अब आगे बताती हूँ आपको। तो हमारा फोर्थ सुपरस्टिशन भी इसी तरह है, हैंगिंग लेमन एंड सेवन ग्रीन चिलीज इन शॉप्स एंड बिजनेस प्लेसेस। जी बिल्कुल, मैं उसी नींबू मिर्ची की बात कर रही हूँ जो ज़्यादातर हर दुकान के बाहर हमें लटकी हुई मिलती है। सुपरस्टिशन की माने तो अलक्ष्मी नाम की एक देवी है जो बिजनेस ओनर शॉप ओनर के घरों में बैड लक लाती है। अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी चीज़ें पसंद है, इसलिए शॉप ओनर नींबू और मिर्ची को धागे से जोड़कर टांग देते हैं। तो अगर अलक्ष्मी शॉप को बर्बाद करने आए तो उन चीज़ों को खा ले जो उसे पसंद है, खाते ही उसकी भूख मिट जाती है और वह वापस चली जाती है। ये तो हो गई अंधविश्वास की बात। इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जिस धागे से नींबू और मिर्ची को जोड़ा जाता है वह नींबू के एसिड को सोख लेती है, जिसके चलते कीड़े मकोड़े या कोई भी इंसेक्ट नहीं आता। यह एक तरह का पेस्टिसाइड है जिसे शॉप ओनर इस्तेमाल करते हैं कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए। जिस अलक्ष्मी की बात लोग करते हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। आखिरी जो सुपरस्टिशन है वो हर घर में होता है, डू नॉट स्लीप विद योर हेड फेसिंग द नॉर्थ। हमारे भारत में हम यह तो मानते हैं कि सर को नॉर्थ की तरफ रखकर नहीं सोना चाहिए, पर इसके पीछे का लॉजिक शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। हमारी बॉडी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनी रहती है, इसी तरह अर्थ के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर आप अपने सर को नॉर्थ की तरफ करके सोओगे तो आपकी और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगी, जिसके चलते ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल DNA फैक्ट्स के साथ जुड़े रहें और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और हमारे बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।